वेलकम बैक टू पठान ब्लॉग। पठान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग एक नया ब्लॉग होने वाला है। वो क्या ब्लॉग होगा, वो एक सरप्राइज़ है। अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा कहीं जा रहे हैं, तो आगे हमें कैब भाई भी ज्वाइन करने वाला है। तो मिलते हैं आपसे आगे। अभी थोड़ा सामान है वो ले लेते हैं पहले घर से। तो गाइस अभी मैं ई रिक्शा पकड़ कर निकल चुका हूँ बस स्टैंड की तरफ। वहाँ कैब भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं और मैं थोड़ा सामान वगैरह भी ले लिया है। देख दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यह है मेरा बैग और इसमें है कुछ खाने पीने का आइटम और यह है स्टिकर रोल। ये मैं आपको बताऊंगा किस काम में आते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ अभी बस स्टे पे और ये कैब भाई हमारे आ रहे हैं साथ में। आ जाओ। तो ये आ चुके हैं। चलो सामान उठा लो। ये सामान ले लेंगे। एक मिनट पैसे दे देता हूँ मैं। कैब भाई हमें मिल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये सामान लेके, ये देखिएगा गाइस, ज़्यादा सामान है। आगे चल के कुछ धमाल होने वाला है, देखना बने रहिए हमारे साथ। तो खुर्जा जा रहे हैं, वहाँ एक मेला लगा है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, उसका भी ब्लॉग आपको मिलेगा। और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। यस, हम लोगों ने अभी अपना सामान वगैरह रख दिया, बैठ गए अपनी सीटों पर, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी गंभीर हालत होने वाली है पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ये आई थिंक हम लोग 12 से 1 बजे पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। और बस यहाँ के आप जानते हैं यूपी में कैसी बसें होती हैं, डग्गा मार बसें। दिखा दीजिए कैसी रोटेशन है यहाँ। अभी तो ये कुछ बस का इस तरीके से नज़ारा, ये खाली है अभी तो, कुछ पैसेंजर आना बाकी है। और ये बाहर का नज़ारा दिखाओ कैब भाई। बाहर का नज़ारा देखिए गाइस, ये गाइस अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है। दिखाएं कैब भाई। तो बस चल चुकी है गाइस और अभी हम लोग पहुँचेंगे। कितने बजे पहुँचेंगे? 1 बजे पहुँचेंगे हम। और ये ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए आप लोग, बहुत ही कमाल होने वाला है ये ब्लॉग। ये बस मिलेगी आपको साबर अड्डे, गंदरबारा साबर अड्डे पे। और ये देख सकते हैं गाइस, ये सारू भाई हमारे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुर्जा और यहां से बैटरी रिक्शा लेके पहुंचेंगे अपने जीजा जी के पास, क्योंकि अभी हम लोग अपने जीजा जी के पास आए हैं यहाँ खुर्जा में। तो जाएंगे अभी उनके रूम की तरफ। तो चलिए अभी ढूंढते हैं यहाँ ट्रेली या बैटरी रिक्शा। और ये देख सकते हैं खुर्जा का एक बोर्ड लगा है यहाँ पर, ये मेन हाईवे है। तो यहाँ पे हम अभी उतरे हैं, चलते हैं। तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ अपने बहन बहनों के यहाँ, जो मेरे बहन बहन यहाँ खुर्जे में रहते हैं। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ अभी और हम लोग छत पर हैं, कैब भाई भी आ चुके हैं और ये मेरे भांजी और भांजे हैं। तो अभी थोड़ा खाने का टाइम हो चुका है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। ये अब बाद में मिलते हैं आपसे, और आपसे खाना खाने के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी आगे। तो गाइस यहाँ पर खाने का सामान आ रहा है धीरे धीरे। अब कैब भाई को लग रही है बहुत जोर की भूख और ये देख सकते हैं ये दूसरे कैब भाई। गाइस ये हमारा खाना लग चुका है, देख सकते हैं आप। और ये सैलेड भी है और इसमें दिखाओ क्या है। तो इसमें है कोरमा और ये कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है यहाँ पे। चलिए तो कैब भाई से पूछूंगा मैं, वो लग रही है नहीं लग रही जोरदार। तो चलिए मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो गाइस अभी खाना पीना खा करके हम लोग हो चुके हैं फ्री और मैं अभी आपको यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाऊँगा। तो यह है खुर्जा, कुछ इस तरीके से ये मेन हाईवे है, ये सामने देख सकते हैं आप। और ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये ई रिक्शा आ रहे हैं, ये बाईपास रोड है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ के घर वगैरह हैं। ये पीछे मस्जिद भी है, देख सकते हैं आप, एक मस्जिद है पीछे। और ये इस तरीके से है सब। और ये हमारी भांजी मोबाइल चला रही है और कैब भाई अपने नाखून वगैरह काट रहे हैं और देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे नीचे और यहाँ क्या काम होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस अब हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ पर ये हो रहा है शीशे का काम और यहाँ डिजाइन डाली जाती है। जो मैं स्टिकर रोल लेकर आया था ये वही रोल है, मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैं आपको बाद में बताऊँगा।
तो इस स्टिकर रोल का यहाँ इस शीशे पर काम होता है, इसको इसमें चिपका के फिर इस पर डिजाइन वगैरह बनाई जाती है। तो मैं अभी उसको बाद में दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरीके से भी काम होता है डिजाइन का। ये गणपति का फिगर बनाया है कांच के अंदर, देख सकते हैं आप। और डिजाइने भी काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की बनाई जाती हैं, ये कुछ इस तरीके से कारखाना आई। तो गाइस देख सकते हैं ये डिजाइन बन रही है, ये फ़ोन में देख के हमारे मोहसिन भाई डिजाइन बना रहे हैं। कम्प्लीट होने पर मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस ये हमारे मोहसिन भाई ने डिजाइन बना के रेडी कर दिए, देख सकते हैं ये। और ये हमारे मोहसिन भाई ने बनाई है तो मतलब कहने का ये हम दोनों ने मिलके बनाई है डिजाइन, देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से डिजाइन है, ये देखें। अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ। कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। ये सपोर्ट करो, ये हमारे मोहसिन भाई कर दो लाइक, इनके कहने पे लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना दबा के वीडियो को। तो ये कुछ था हमारा कारखाना या काम चल रहा है। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।